नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अगिमा जादौन और आज हम बात करेंगे अयोध्या नगरी की। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवान्या पूर्व योद्धा और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में योगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवान्या पूर्व योद्धा तत्सा हिरण में है कोश स्वर्गो ज्योतिषाव्रत। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। यह पूरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। स्कंद पुराण के अनुसार सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थकरों में से 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थकर ऋषि भनाथ जी, दूसरे तीर्थकर अजितनाथ जी, चौथे तीर्थकर अभिनंदन नाथ जी, पांचवे तीर्थकर सुमतिनाथ जी और 14वें तीर्थकर अनंतनाथ जी। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ। उक्त सभी तीर्थकर और भगवान रामचंद्र जी सभी इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी शक्तियों सूर्यवंशी की राजधानी यह नगर रहा है। उक्त शक्तियों में दशरथ रामचंद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी था। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हैन सोंग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। आइए देखते हैं दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद कैसी दिख रही है अयोध्या नगरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ आपका साथी अमरेश प्रजापति। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की पावन धूम अयोध्या जी में, जहाँ पर ठीक 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 551,000 दीपों को जला करके दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया था। और दीपोत्सव के दिन अयोध्या जिस तरह से सजाई गई थी, जिस तरह से चाक चौबंद हर तरफ नजर आ रहा था, ठीक उसके बाद आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से अयोध्या कैसी दिख रही है। क्योंकि दीपोत्सव त्यौहार के दिन तो सारे चीज़ों को सजा धजा करके एक किया गया था, लेकिन आज हमारी अयोध्या कैसी दिख रही है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कैमरामैन। आइए देखते हैं अयोध्या की एक झलक, जो प्राकृतिक रूप से अयोध्या की मूल सौंदर्यता कैसी है।